As you all know, that Goa is known for fantastic beaches, churches, lots of wildlife sanctuaries, and how can we forget that cheap alcohol? But there are lots of more places which are unseen or unmapped. So that I took a step ahead to explore Goa in different manner. I am Jit Devidas from Goa. I won't say myself as an explorer, but I love traveling. Most of the time, I used to travel with my friends. But today, I will be going alone at Sauri Waterfall, which is in Netravlim, South Goa, through the dense forest. This journey is going to be challenging for me because for the first time, I am going alone. So let's start with the video. Netravlim is in South Goa, and map tells us that it is about 78 to 80 kilometers from Panjim. Once you reach Netravlim, you can ask villagers about the road to go south. तो हेलो देयर, हाँ आपने सही सुना, आज मैं जा रहा हूँ सावरी वाटरफॉल विच इज इन नेत्रावलीम साउथ गोवा, और वो भी अकेले। तो देखते हैं क्या होता है। जो सावरी जाने का मेन रोड है नेत्रावली से, कोरोना के कारण वो भी बंद है। सो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को और मज़ेदार बनाया जाए, तो उसीलिए आज मैं जा रहा हूँ अलॉन्ग द रिवर। This is not a place where anyone goes alone, but I will go there on my own risk in monsoon because it is so beautiful and this is a different way to see Sauri. You can see dense forest around me, including leopard, bisons, black panthers, and a human being. It will be difficult to shoot in cinematic effects, but I will give my best. जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उधर से करीब करीब 40 मिनट लगते हैं, पर मुझे 1.5 घंटे से भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मुझे वो शूट करना है, ट्राईपॉड लगाना है, निकालना है, टाइम तो लगेगा, एंड आई विल वेट हियर फॉर सम टाइम। Thank you.
गुड टू सी दैट माई माइक इज़ वर्किंग फाइन, क्योंकि अभी कुछ देर पहले इट वॉज टोटली समझ इन टू वाटर, पर फिर भी चल रहा है, देखते हैं कब तक। तो फाइनली आई एम हियर, वेट अ मिनट। तो यस, फाइनली मैं पहुंच गया, और देन उसके राइट साइड में साउथ गोवा का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। अब बारिश भी आने लगी, अगर ये जल्द से जल्द नहीं रुकी तो हमें नीचे जाने के लिए दिक्कत हो सकती है। तो आई डोंट वॉन्ट सच थिंग्स टू हैपन। This is one of the most beautiful waterfalls from South Goa, which is Tauri Falls. Along with the beauty of Tauri Waterfall, more than 50 people lost their life over there. बुलाता है मगर जाने का नहीं, वो पानी देखकर डुबकी लगाने का मन कर रहा था, बट व्हाट टू डू, पानी में कुछ गलत भी होने का डर था। अभी मैं फिर से नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले इधर एक बंदा डूब के मरा था, तो मुझे रिस्क नहीं लेनी, तो आई विल बी गोइंग डाउन। अगर इधर कोई सिक्योरिटी या कोई बंदा होता तो मैं थोड़ी देर रुक जाता, लेकिन नहीं, पानी भी बढ़ रहा है, तो मैं जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके नीचे चला जाता हूँ। और 20 मिनट में शायद मैं पहुंच जाऊंगा मेरे स्टॉप पे, क्योंकि ऐसी और दो छोटी छोटी नदियां पार करनी है। तो मिलता हूं। जब भी कभी आप ऐसे एडवेंचर पे गए ना, तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उनसे मजे ले लो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार तो नहीं मिलेगा।
आई सॉ अ क्रीपर। बचपन में हम देखते थे ना वो कार्टून वाला टार्जन, बिल्कुल बिल्कुल वो फीलिंग आई। There were minor injuries on my legs. Sometimes I do suffer from pain, but it was a good experience. So yes, that's it for today. I hope you guys have enjoyed the video. मुझे तो बहुत मजा आया, literally बहुत मजा आया। अब आपकी बारी है। वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक मारो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और आपके जो दो तीन दोस्त होंगे उनके साथ भी शेयर करो, क्योंकि भाई के सब्सक्राइबर्स बढ़े। ऐसी अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, क्योंकि घूमता रहता हूँ ना इधर उधर, क्यों डरते हो? तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।